उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी के बाद अब सरकार के गठन को लेकर एक्शन तेज। लखनऊ की गद्दी को लेकर दिल्ली तक हलचल है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ 273 सीटों पर जीत दर्ज की और अब इस जीत के बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज है। दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर है तो सीएम योगी पीएम मोदी के गुजरात दौरे के बाद उनसे बैठक करेंगे, जिसमें नई सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर दिल्ली में मोहर लग सकती है। चुनाव के नतीजों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आरएसएस के बीच यूपी में बीजेपी की नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेताओं को दिल्ली के इशारे का इंतजार है। योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं, इसका फैसला भी दिल्ली में होगा। नई मंत्रिमंडल में आधे पुराने मंत्रियों को रिपीट करने की चर्चाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में दोनों डिप्टी सीएम के पद बने रहेंगे। कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक और सतीश महाना को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। उप मुख्यमंत्री की दौड़ में बेबी रानी मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम भी है। दोनों का मंत्रिमंडल आपस में मिला था और जाहिर सी बात है इस मंत्रिमंडल के बाद ये अंतिम बैठक थी इस कार्यकाल की, और इस कार्यकाल की अंतिम बैठक में जो सामूहिक रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के लिए अंतिम उसके लिए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि योगी कैबिनेट में मंत्री की रेस में कौन कौन है। इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव जीत कर आए सिद्धार्थ नाथ सिंह का नाम भी रेस में है। योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, यूपी सरकार के प्रवक्ता रहे और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की छोटी बेटी के बेटे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह। रेस में इलाहाबाद दक्षिण से चुनाव जीत कर आए नंद गोपाल गुप्ता का नाम भी है, जो योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2017 में पहले बीजेपी में शामिल हुए, 2014 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, 2007 के चुनाव में पहली बार बीएसपी उम्मीदवार बने। लखनऊ की सरोजनी नगर से जीते राजेश्वर सिंह का नाम भी मंत्री पद की रेस में है। यूपी के सुल्तानपुर जिले से इनका संबंध है और ईडी में पूर्व संयुक्त निदेशक रहेंगे। पूजी और कॉमनवेल्थ गेम घोटाले की जांच इन्होंने की। मंत्री पद की रेस में शलभ मणि त्रिपाठी का नाम भी है, जो देवरिया सीट से जीते। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार रहे हैं, कई टीवी चैनल में पत्रकार रह चुके हैं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे। मंत्री पद की रेस में पंकज सिंह का नाम भी है, जो नोएडा से जीते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, नोएडा से पहले भी विधायक रहे, 3 बार यूपी बीजेपी के महासचिव रहे। मंत्री पद की रेस में बेबी रानी मौर्य का नाम भी है, जो आगरा ग्रामीण से जीती है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है, उत्तराखंड की राज्यपाल रही थी और आगरा की पहली महिला मेयर भी बेबी रानी मौर्य रह चुकी है। मंत्री पद की रेस में नाम श्रीकांत शर्मा का है, जो मथुरा सीट से जीते हैं। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रहे, हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल में बृजेश पाठक को जगह मिल सकती है, जो लखनऊ कैंट से चुनाव जीते हैं। बृजेश पाठक योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पहले भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की, यूपी में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। 2004 में बीएसपी से कांग्रेस में गए, 2014 में उन्नाव से लोकसभा चुनाव लड़ा था। मंत्री पद की रेस में सतीश महाना का नाम भी है, जो कानपुर के महाराजपुर सीट से जीते हैं। योगी सरकार में सतीश महाना कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लगातार 8 बार चुनाव जीते हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में कई नाम रेस में है। निषाद पार्टी के 2 मंत्रियों का नाम भी चल रहा है, तो अपना दल से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये एक साझा प्रयास था, अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी का, और एक साझी सफलता है। ये एक साझा प्रयास था, अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी का, और एक साझी सफलता है। यूपी में जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में हलचल तेज है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है। ऐसे में 4 राज्यों में मिली जीत पर चर्चा होगी और नई सरकार के गठन को लेकर रणनीति भी तैयार हो सकती है। यूपी में 3 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। बीजेपी 273 सीटें जीत कर यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने जा रही है। चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया था। बीजेपी ने यूपी में प्रचार योगी के चेहरे पर किया। यूपी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बनने वाले हैं, तो
नए मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस पर मुहर लगनी बाकी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।